इसमें क्या है, कोई ऐसे अगर खड़ा है तो ऐसे क्यों खड़ा है, कोई ऐसे अगर है तो ऐसा क्यों है, किस जगह से हम बॉल को जल्दी समझ पा रहे हैं, कितने हाइट से हम बॉल को देख रहे हैं तो हम जल्दी पिक कर पा रहे हैं। आप ये एडवांस लेवल पे जब जाओगे तो कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी आपकी समझदारी के साथ साथ, कि विकेट में कितना बाउंस है, लो रहने वाला विकेट है, हाई रहने वाला विकेट है, तो ये आपके समझ का पार्ट है। आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई बता नहीं सकता कि आपको कहाँ पे कैसे कंफर्ट हो रहा है। जैसे बॉल देखना है और देख के मुझे जल्दी से समझना है कि ये बॉल किस लेंथ पे गिरने वाली है, तो हम उसको देखने की जब कोशिश करते हैं तो एक जगह हमारा होता है, ऊपर हो नीचे हो, कहीं पे एक जगह ऐसा होगा जहाँ से आप बॉल को जल्दी पकड़ना जानते होगे। अब इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करते हो और महसूस करते हो कि किस जगह से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, देन आप देखो यहाँ पे मैं हूँ, नी मेरा हल्का सा फ्लैक्स है, अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी फ्लैक्स है, और हेड को अपने नीचे ले गया, यहाँ पे भी मेरा फ्लैक्स है। अब ये जो कम्फर्ट है ना नी का फ्लैक्स होने का, ये सब डिपेंड करता है मेरे अपने ढूंढने पे कि कहाँ पे हम बेहतर हैं। और जब आप ढूंढ के निकालोगे तो बेहतर जो होगा आपके लिए वो आपका होगा। यही कारण है कि सारे खिलाड़ी अलग 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 तरीके से बॉल को देखते हैं, अलग अलग हाइट से देखते हैं। तो अपने बैटिंग में जब भी आप बैटिंग करो तो महसूस करो कि किस हाइट से हमें बॉल, ये अपने आप उतना मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है।